आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ अपने इस YouTube चैनल में। मैंने अभी तक जीएसटी में बहुत सारी वीडियो बनाई है, जस्ट एक रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी मैंने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इन जीएसटी से रिलेटेड, वो वीडियो कुछ दिन पहले ही आई हुई है। उसके बाद आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो भी टॉपिक इसी से मिलता जुलता है, सेम नहीं है उतना, बट इसी से मिलता जुलता टॉपिक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इन जीएसटी। ये टॉपिक मैंने क्यों चूज किया सर, इस पे क्या क्या चीजें आपको बताने लायक है या क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको जाननी जरूरी है, वो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। आप अभी तक अगर आपने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की वीडियोस या जीएसटी से रिलेटेड और वीडियोस, इन्फोटैक्स क्रेडिट की, कंपोजिशन स्कीम की और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो कृपया एक बार वो वीडियो सारी देख के आइए। हमारे इसी सेम YouTube चैनल पे आपको प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगी जीएसटी की, उसमें सारी वीडियोस है लाइन वाइज, आईटीसी की है, इन्फोटैक्स क्रेडिट, कंपोजिशन स्कीम की, रजिस्ट्रेशन की और जो नए फॉर्म्स आए थे उसकी भी वीडियोस है। फर्दर टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको पहले इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में इम्पोर्ट होता क्या है। इम्पोर्ट जब आप बाहर से कुछ चीजें मंगाते हो, मैं गुड्स की बात नहीं कर रहा, मैं सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, आप कुछ भी मंगा रहे हो, गुड्स का क्राइटेरिया अलग है, सर्विसेज का क्राइटेरिया अलग है, बट आप कुछ भी, मतलब एक चीज आप कह सकते हो कि वो इंडिया में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है यार, छोड़ो वो सारी चीजें कि क्या है, क्या आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, दे कौन रहा है या भेज कौन रहा है, वहां से भेज रहा है कोई सप्लायर है, सप्लायर क्या है, या तो वो गुड्स भेजेगा या फिर वो सर्विसेज भेजेगा, दो चीजें हो गई आपकी ये, एक तो वो इंडिया में आ रहा है और दूसरा कोई वहां से भेज रहा है बिल्कुल नॉर्मल वे में। दूसरी बात, आपकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इंडिया में है, आ रहा है तो इवन वो रिसीव भी इंडिया में ही होगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी हो गई इंडिया में। ये तीन बातें हो गई आपकी इम्पोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड या सर्विसेज आप कह लो भी, मैं इसलिए मैंने पहले डिफरेंशिएट नहीं किया था, अभी मैं गुड्स के मामले में डिफरेंशिएट करना चाहूंगा कि गुड्स आपने कुछ भी गुड्स आपने मंगा लिया उसका कोई बाहर से आपको सप्लायर भेज रहा है, सप्लायर ऑफ गुड्स, कोई इंडिया में आप रिसीव कर रहे हो तो वो रिसीवर हो गया जो यहाँ पे गुड्स को रिसीव करेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है बिकॉज इंडिया में गुड्स आ रहे हैं। फर्दर आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान क्या रखने वाली बात है कि इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम ड्यूटी तो आप दोगे ही दोगे, जैसा कि आपको पता होगा, अवेयर अगर आप हो तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी तो दोगे ही देंगे ही देंगे, मीन्स कस्टम ड्यूटी जो लगती है या फिर एक्साइज से रिलेटेड जो ड्यूटीज इस पे लगती हैं वो तो आपको देना ही पड़ेगा। फर्दर आपको इस पे जीएसटी भी पे करना होगा, क्या रेट होगा उसका, किस किस गुड्स पे है, कैसी चीज, बॉस लगना तो सब पे है, सारे गुड्स जितने भी इम्पोर्ट होंगे सब पे जीएसटी भी अब एप्लीकेबल है, बट क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ सकती है अगर आप गुड्स मंगाते हैं तो, उसके लिए मैं बात करूंगा। उसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि सर वैल्यू क्या होगी उसकी, क्योंकि अगर आपने कहीं भी पढ़ा हो पहले तो आपको ये आइडिया होगा कि सर एक वैल्यू होती है जिसपे हम रेट से टैक्स पे करते हैं, तो वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो वैल्यू आपकी होगी असेसेबल वैल्यू के नाम से होगी जिसपे कस्टम ड्यूटी भी लगी होती है, मीन्स एक वैल्यू नोटिफाई होती है कस्टम एक्ट में कि इम्पोर्ट अगर आप कर रहे हो गुड्स का तो इस गुड्स की क्राइटेरिया है, इस गुड्स की ऐसे वैल्यू आप निकाल सकते हो, उसके कुछ मेथड्स हैं, वो कस्टम एक्ट बताता है, उस आज मैं उसकी बातें नहीं बताऊंगा आपको, वो वैल्यू आपकी एक होती है, सब आपको वैल्यू मिल गई कोई बात नहीं, एग्जांपल अब मैं आपको दूंगा, वो वैल्यू आपको मिल गई है, अब वैल्यू के बाद सर रेट क्या एप्लीकेबल होगा उस पे, रेट आपका वो एप्लीकेबल होगा जो उसी सेम गुड्स के नेचर का, मतलब जो नेचर है गुड्स का वो सेम है, वो गुड्स इंडिया में किस रेट पे जीएसटी उस पे लग रहा है, कस्टम ड्यूटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कस्टम ड्यूटी तो आपकी लगेगी ही लगेगी, वो किस रेट पे एप्लीकेबल होगी वो कस्टम एक्ट में डिफाइंड है, जीएसटी आपका यहाँ पे इंडिया में किस रेट पे लग रहा है वो मैटर करेगा। दो पॉइंट हो गए सर, एक तो वैल्यू की बात हो गई, वैल्यू आपकी जो नोटिफाइड है कस्टम एक्ट से, दूसरी वैल्यू आपकी, दूसरी बात हो गई कि आईजीएसटी उस पे रेट से लगेगा। तीसरा पॉइंट सर आता है आपका कि आईजीएसटी से पहले कुछ टैक्सेस जो हम पे कर रहे हैं जैसे कि कस्टम ड्यूटी, क्या कस्टम ड्यूटी जुड़ेगी, बिल्कुल जुड़ेगी सर, आपने अगर कस्टम ड्यूटी पे कर दिया है या कोई फर्दर ऐसी ड्यूटी है एक्साइज से रिलेटेड या कुछ टैक्सेस ऐसे भी होते हैं जो स्पेशल कैटेगरी के होते हैं वो केवल स्पेशल गुड्स के लिए बनाए जाते हैं, अगर आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको देना पड़ सकता है,
तो वो सारी चीजें भी उसमें असेसिबल वैल्यू जो आपकी है वो एक नॉर्मल बेसिक वैल्यू हो गई। उस बेसिक वैल्यू पे आपके ये टैक्सेस पहले एड ऑन होंगे, जो पहले लग रहे हैं कस्टम ड्यूटी आपकी पहले लग रही है, ये सारी चीजें पहले एड ऑन हो जाएंगी। उसके बाद आपका IGST जो मेन वैल्यू आ रही है उस पर आपकी IGST एप्लीकेबल होगा। मीन्स रेट जो भी चल रहा हो, सपोज हम मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ कि आपने ऐसा गुड्स बाहर से मंगाया हुआ है जिसका इंडिया में रेट जो IGST लग रहा है वो 18% है, तो सेम रेट आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे लग जाएगा 18% के हिसाब से। आगे एग्जांपल में भी 18% में यूज करूंगा। एक और बात बहुत ही ध्यान में रखने वाली है कि अगर आप कोई लग्जीरियस गुड्स मंगाते हो या फिर ऐसा कोई गुड्स जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है अपने हेड में, एक नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई कर रखा है कि ये गुड्स अगर आप बाहर से मंगाते हैं, डिमेरिट गुड्स के लिस्ट में कुछ गुड्स आते हैं, वो गुड्स अगर आप मंगाते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा सेस देना पड़ता है, टैक्स ही कह लो आप, सेस जो है वो टैक्स के रूप में ही पे करना होता है। तो वो टैक्स क्या होगा, वो कितना परसेंट हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कि आप लग्जरियस गुड्स कौन सा मंगा रहे हो और डिमेरिट गुड्स की लिस्ट में आपका गुड्स वो कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी नोटिफाइड है गवर्नमेंट का पहले से। वो इस वीडियो से उसका कोई उतना लेना देना नहीं है, बट मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये चीजें होती हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं कि सर वैल्यू निकल आई हमारे पास, वैल्यू आ गई, वैल्यू पे अब कस्टम ड्यूटी लग रही है, कस्टम ड्यूटी लगा दीजिए सर, बिल्कुल सही बात है। IGST जैसे मैंने आपको बताया कि रेट जो आपका एप्लीकेबल होगा इंडिया में उसके हिसाब से हो जाएगा 18% हमने सपोज किया होगा। दूसरी बात सर, IGST हमने चार्ज कर लिया है, अब हमारा जो कंपनसेशन की वैल्यू है, कंपनसेशन सेस जो हम लगा रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, उस सेस के लिए हम वैल्यू कौन सी लेंगे? सर उस सेस के लिए जो वैल्यू होगी उसमें IGST को हटा दीजिए बस, जो आपका IGST जैसे बेसिक वैल्यू हो गई, एसेसिबल वैल्यू जिसे बोलते हैं, जो कि नोटिफाइड है। दूसरी बात उस पर कस्टम ड्यूटीज लग गई या फिर कोई अदर ड्यूटी एक्साइज वगैरह से रिलेटेड या कोई स्पेशल ड्यूटी उस पर लग रही है, वो सारी चीजें हो गई, ये दोनों एड ऑन कर दीजिए। एड ऑन करने के बाद आप इस पर IGST चार्ज कर लीजिए, 18% हमने एग्जाम्पल में लिया था। दूसरी बात अब ये हो गई तो IGST की वैल्यू जो आ रही है, सपोज अगर 2 लाख रुपए IGST के आसपास अराउंड आ रहा है तो 2 लाख रुपए आप साइड कर दीजिए और जितनी भी वैल्यू आपने निकाली हुई है उस पर सेस जो है आपका कंपनसेशन सेस जो होता है वो लगा दीजिए आप। ये हो गए सेस के लिए वैल्यू, मीन्स सेस में सीधे IGST की वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होगी। सर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा इससे रिलेटेड कि आपका कस्टम में स्पेशल टैक्सेस जो लगते हैं वो सारे भी एड ऑन होने जाने चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई दी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सपोज मैंने एक बिल्कुल ऐसा केस लिया होगा जिसमें आपकी सारी पूरी लिस्ट कवर हो जाएंगी, ये हमारे एक क्लाइंट है उनका केस था, मैंने उनका इसलिए केस उठाया हुआ है, वो मुझसे बार बार क्वेरी कर रहे थे सर ये एक्सपोर्ट में मुझे कितना, ये इसमें वैल्यू कौन सी मैं लूँ जिसमें मैं एक्सपोर्ट में इम्पोर्ट पर टैक्स पे कर दूँ, इसमें वैल्यू कौन सी लूँ? तो सर उसकी एसेसेबल वैल्यू जो इसमें है 40,40,000 रुपीज है सपोज एग्जाम्पल के लिए, इस पे जो आपकी बेसिक ड्यूटी लग रही है कस्टम ड्यूटी जो आपकी है वो 3,03,000 के अराउंड है, 7.5% से लग रही है। एडिशनल ड्यूटी आपकी लग रही है 12% जो कि एक्साइज ड्यूटी है, 5,21,160। इस पे एक सेस भी लग रहा है, पहले तो एजुकेशन सेस लगेगा एक्साइज का, कस्टम एजुकेशन सेस लगेगा, दोनों 3% के होंगे, वो भी वैल्यू आपकी लगेगी अराउंड 15,634 आपका एक्साइज एजुकेशन सेस है और कस्टम एजुकेशन सेस 25,193 का है। ये चीजें भी जो आपको कस्टम पहले आपकी CVD जो एडिशनल है वो आपकी कैलकुलेट होगी एसेसिबल वैल्यू और बेसिक कस्टम ड्यूटी को आपको ऐड कर दीजिए, उस पर आपका 12% आपकी एडिशनल ड्यूटी निकल आएगी। दूसरी बात एजुकेशन सेस आप किस पे निकालेंगे, एजुकेशन सेस जो आपने एक्साइज ड्यूटी पे की है उस पर एक्साइज का एजुकेशन सेस निकल जाएगा, कस्टम की जितनी भी है उस पर कस्टम का निकल के आ जाएगा, ये सारी चीजें वैल्यू एड ऑन हो गई। एड ऑन करने के बाद एक इस पर फर्दर टैक्स और लग रहा है, मैंने कोई भी ऐसा चीजें ना छूट जाए इस वजह से ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, स्पेशल CVD इस पे लग रही है, उसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जब ये एप्लीकेबल हो जाता है, इस पर 4% स्पेशल CVD भी लग रही है, पूरे का ऊपर से लेके एसेसिबल वैल्यू, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी एक्साइज के रूप में, एजुकेशन सेस, सारी चीजें जोड़ दीजिए, उसके बाद स्पेशल CVD जो है उस पर 4% उसका निकाल दीजिए, ये हो गए आपके टोटल टैक्सेस। अब असेसिबल वैल्यू को एक साइड में रख दीजिए, बाकी चीजें जितनी है टैक्सेस जो ओवरऑल आपके निकले हुए हैं वो मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो उसका टोटल आ रहा है वो 10,61,186 टोटल आ रहा है। उस टोटल को और असेसिबल वैल्यू, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जितने भी टैक्सेस आपके लग जाएंगे कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड या कोई अदर ड्यूटी एप्लीकेबल हो रही है,
उन दोनों चीजों को मिला के जो एक ग्रैंड टोटल आएगा उस पे आपका IGST पे करना होगा। बॉस जितना आप इम्पोर्ट मंगा नहीं रहे हो उतनी ज्यादा तो आपकी वैल्यू होती चली जाती है। मीन्स आप एक बार के लिए अगर आप सोच के देखिए तो आप जितने का कोर्स आपको इंडिया में अवेलेबल हो जाता है इजिली टैक्सेस विदाउट टैक्सेस पे करते हो बहुत छोटा नॉमिनल अमाउंट टैक्स पे करना होता है। आप बाहर से उसे मंगा के इतना ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल जाता है। मैं स्ट्रिक्टली आपको बोलना चाहूंगा या फिर आप एडवाइस की तरह मुझसे ले सकते हैं फ्री के एडवाइस है बॉस कि आप इम्पोर्ट कम से कम करिए, इम्पोर्ट जरूरत पड़ने पर ही करिए। एक्स्ट्रा टैक्सेस आपको बेनिफिट पे करना होता है गवर्नमेंट का तो उसमें बेनिफिट है वो तो आपको टैक्स लगेगी करेगी, बट मैं एज अ सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको उस पर टैक्स ज्यादा ना देने पड़े, कॉस्ट बढ़ जाएगी फिर आगे भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है तो देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये थी बात कि IGST आपका ऐसे कैलकुलेट हो गया। अगर इस पे सेस की बात करें कंपनसेशन कैलकुलेट हो रहा है तो हमारा जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 40,40,000 असेसबल वैल्यू जो है और टैक्स आपका 10,61,000 के अराउंड है, तो ये दोनों को प्लस करके भी आप इस पे कंपनसेशन सेस निकाल सकते हैं। ये थी चीजें कि टैक्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बॉस लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं कि हाँ कैसे कैसे चीजें आप कर सकते हो इसमें और टैक्स मुझे कितने पे देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजों को अवेयर करने के लिए मैं ये वीडियो आज लेकर के आया था। समझता हूँ कि आपको सारी वीडियो ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी